दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिलहाल भारत की टीम अफ्रीका के दौरे पर है, जहां पर रिसेंटली भारत और साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की बहुत ही जबरदस्त T20 सीरीज खेली। T20 सीरीज यहां पर एक एक से लेवल रही, लेकिन अब सभी को बेसब्री से इंतजार है भारत और अफ्रीका के बीच होने वाली ODI सीरीज का। जी हाँ, तीन मैचों की बहुत ही जबरदस्त वनडे सीरीज हमें इन दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिलने वाली है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये पूरी की पूरी सीरीज होने वाली। इस दौरे का पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी यहां पर अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड और BCCI ने मिलकर काफी टाइम पहले ही रिवील कर दिया था, और इस वीडियो में आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ODI सीरीज से जुड़ी A to Z हर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हम जानेंगे स्टार्टिंग डेट, शेड्यूल, वेन्यू, टाइमिंग, टेलीकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स, और साथ ही साथ यहां पर इस सीरीज के लिए दोनों ही क्रिकेट बोर्ड्स ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही टीमों के फाइनल स्क्वाड्स को भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं इस सीरीज से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इस दौरे में ODI सीरीज काफी इंपोर्टेंट रोल अपना अदा करने वाली है। चलिए सबसे पहले हम ODI सीरीज के पूरे शेड्यूल एंड वेन्यूज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तीन मैचों की वनडे सीरीज का। पहला वनडे मैच हमें 17 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच हमें 19 दिसंबर को गकेब्राह के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद इस सीरीज का तीसरा व अंतिम वनडे शानदार मैच हमें 21 दिसंबर को पार्ल के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग के बारे में हम यहां पर बात करते तो भाई तीनों ही वनडे मैचों की टाइमिंग्स यहां पर बिल्कुल अलग-अलग होने वाली है, जहां पर पहला वनडे मैच हमें भारतीय समय अनुसार 2:30 से लाइव देखने को मिलने वाला है। वही सीरीज का दूसरा और तीसरा वनडे मैच हमें भारतीय समय अनुसार शाम के 4:30 से लाइव देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स के बारे में। तो BCCI ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया कि लाइव टेलीकास्टिंग में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज यहां पर नहीं होगा। टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स कवर करने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल से लिस्ट आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स इंडिया, उनके जितने भी अल्टरनेट HD चैनल है, सभी चैनल पर हमें अलग अलग भाषाओं में इस सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। वो यदि आप अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार बिल्कुल फ्री में इस पूरी सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स के बारे में। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इस सीरीज के लिए BCCI ने भारत की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जहां पर स्क्वाड्स को सीरियसली पूरी तरह से बदल दिया गया है। पूरी की पूरी नई टीम हमें यहां पर देखने को मिलने वाली है। लगभग 10-12 बड़े बड़े बदलाव हमें यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स में देखने को मिले हैं। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सीरीज के लिए, मतलब जितने भी अपडेट्स यहां पर टीम इंडिया को लेकर निकल कर आ रहे हैं उन अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है खिलाड़ियों के रेस्ट को लेकर, किन किन खिलाड़ियों को यहां पर इस सीरीज से रेस्ट पर रखा गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा हमें यहां पर रेस्ट करते नजर आएंगे, विराट कोहली हमें यहां पर रेस्ट करते नजर आएंगे, उसके अलावा आपके जसप्रीत बुमराह यहां पर रेस्ट करने वाले हैं, शुभमन गिल को भी रेस्ट दे दिया गया है, सूर्य कुमार यादव यहां पर रेस्ट करने वाले हैं, आपके मोहम्मद सिराज भी यहां पर हमें रेस्ट करते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते एक बिल्कुल नई नवेली युवा टीम हमें यहां पर इस सीरीज में डोमिनेट करती हुई नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट है उन खिलाड़ियों को लेकर जो यहां पर इस सीरीज में फाइनली अपना कमबैक करने के लिए जा रहे। तो भाई तीन खिलाड़ियों का यहां पर कमबैक होने वाला है। फर्स्ट आपके युजवेंद्र चहल, इनका सभी को बेसब्री से इंतजार था कब इनका स्क्वाड में कमबैक होगा, लेकिन फाइनली यहां पर गुड न्यूज निकल कर आई है, जहां पर फाइनली ये टीम के साथ जुड़ चुके हैं। सेकंड अपडेट यहां पर संजू सैमसन को लेकर, सैमसन का भी सभी को बेसब्री से इंतजार था और काफी लंबे इंतजार के बाद उनको भारतीय वनडे टीम में यहां पर शामिल किया गया है। तीसरा अपडेट यहां पर अक्षर पटेल को लेकर है, पिछली T20 सीरीज से उनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन इस ODI सीरीज में वो डेफिनेटली हम यहां पर भारतीय टीम के स्क्वाड्स में अपना कमबैक करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है न्यू प्लेयर्स को लेकर, यंगस्टर्स की यहां पर मतलब BCCI ने यंगस्टर्स को लेकर बड़े प्लान बनाए हैं, जिसके चलते तीन ऐसे खिलाड़ी जो हमें इस सीरीज में अपना डेब्यू खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फर्स्ट है साई सुदर्शन, रिसेंटली इन्होंने डोमेस्टिक में काफी जबरदस्त, काफी शानदार, काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस किया, जिसके बलबूते पर इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में जगह मिल गई और डेफिनेटली इस सीरीज में हमें यह खिलाड़ी डोमिनेट करता नजर आएगा। सेकंड प्लेयर यहां पर रजत पटीदार है, रिसेंटली इनको मौका जरूर मिला था, स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं आ पाए थे, लेकिन भाई सीरीज में डेफिनेटली हमें किसी ना किसी मैच में ये प्लेइंग 11 का हिस्सा देखने को मिलेंगे। और भाई थर्ड प्लेयर आपके यहां पर है रिंकू सिंह, T20 फॉर्मेट में भारत के लिए धमाल कर चुके हैं, फाइनली यहां पर वनडे टीम में भी
19 खिलाड़ी को शामिल कर लिया गया है और ओडीआई फॉर्मेट में सीरियस लिस्ट खिलाड़ी की तरफ से हमें अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो अपडेट निकल कर आ रहा है कैप्टन को लेकर। जी हाँ, आपको बताया आपके रोहित शर्मा यहाँ पर अनअवेलेबल है, जिसके चलते बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वीके एल कमाल लाजवाब राहुल हमें इस सीरीज में टीम इंडिया की लीडरशिप करते हुए नजर आएंगे। वाइस कैप्टन की यहाँ पर अभी तक किसी भी टाइप की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें बीसीसीआई की तरफ से देखने को नहीं मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो अपडेट निकल कर आ रहा है टीम की मतलब प्लानिंग्स को लेकर। जी हाँ, बीसीसीआई फिलहाल ऐसा प्लान कर रहा है ओडीआई फॉर्मेट पर हम थोड़ा सा कम फोकस रखेंगे। टी20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर आ रहा है, जिसके चलते टी20 के प्लेयर्स जो हमारे होने वाले उनको पूरा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते यहां पर ओडीआई फॉर्मेट में भी यंगस्टर्स को यूज किया जाएगा और भाई यंगस्टर्स को यहां पर थोड़ा एक्सपीरियंस मिले, टी20 वर्ल्ड कप वो खेले उसके लिए बिल्कुल अच्छी तरह से बीसीसीआई फिलहाल अपने सभी प्रिपरेशन कर रहे थे। भाई कहीं ना कहीं सीरियसली एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर सभी यंगस्टर्स के लिए निकल कर आई है। उसके बाद अब हम फाइनली बात कर लेते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड्स के बारे में, तो 17 सदस्यीय टीम का यहां पर ऐलान किया गया है, जहां पर 7 प्रॉपर बल्लेबाजों के साथ इस सीरीज में भारतीय टीम उतरने वाली है। भाई आपके फर्स्ट यहां पर है ऋतुराज गायकवाड़, यहां गायकवाड़ को सभी से बेटर उम्मीदें हैं रिसेंटली, इनको जब जब भारतीय टीम में मौका मिला है तब तब इस खिलाड़ी ने रन यहां पर निकाल कर दिए हैं। सेकंड प्लेयर यहां पर आपके साई सुदर्शन है, जी हां जबरदस्त ये खिलाड़ी है, डेब्यू हम इस सीरीज में करते नजर आएंगे। रिसेंटली इन्होंने डोमेस्टिक में कमाल लाजवाब धमाकेदार परफॉर्मेंस करके दिया है। अगले बल्लेबाज हमारे यहां पर तिलक वर्मा है, तिलक वर्मा को भी शामिल किया गया, हालांकि ओडीआई फॉर्मेट में पहले डेब्यू कर चुके, एक मैच इन्होंने खेला था, 5 रन बनाए थे, लेकिन एक बार फिर से यहां पर ओडीआई फॉर्मेट में उनका कमबैक हुआ है। नेक्स्ट प्लेयर यहां पर रजत पट्टीदार होने वाले हैं, जी रजत पट्टीदार को यहां पर स्क्वाड में शामिल किया गया है, डेफिनेटली प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती, हो सकता है भाई इस सीरीज में यहां पर इस खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका मिल जाए। रिसेंटली इस खिलाड़ी ने मतलब जो डोमेस्टिक क्रिकेट में सीरियसली कमाल लाजवाब परफॉर्मेंस करके दिया था, जिसके बलबूते पर टीम इंडिया के ओडीआई स्क्वाड्स में इस खिलाड़ी ने जगह बनाई है। अगले प्लेयर यहां पर रिंकू सिंह, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जरूर किया है, लेकिन भैया फाइनली बीसीसीआई इस खिलाड़ी को ओडीआई फॉर्मेट में भी ट्राई करने वाली, जिसके चलते इस खिलाड़ी को भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है। अगला नाम यहां पर श्रेयस अय्यर का है, जहां श्रेयस अय्यर थोड़े से इंतजार के बाद यहां पर ओडीआई फॉर्मेट में हमें कमबैक करते नजर आएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि भाई वर्ल्ड कप से पहले वो लगातार बाहर चल रहे थे, वर्ल्ड कप में इन्होंने कमबैक किया था, लास्ट सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे और भाई ऐसे में यहां पर मतलब हिस्सा तो थे लेकिन प्लेइंग 11 में कोई खास जगह नहीं मिल पाई, जिसके चलते भाई ओडीआई फॉर्मेट में डेफिनेटली टीम इंडिया के डोमिनेटिंग परफॉर्मर ये हमें देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में, तो भाई 2 प्रॉपर ऑलराउंडर्स के साथ यहां पर टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में उतरने वाली है। फर्स्ट ऑलराउंडर यहां पर है वॉशिंगटन सुंदर, युवा खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर को हर जगह टीम के स्क्वाड में तो शामिल किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों यह खिलाड़ी प्लेइंग 11 में एक भी मैच में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है, लेकिन उम्मीदें ऐसी कि भाई यहां पर इस सीरीज में जरूर जगह बनाएगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा हम यहां पर इस सीरीज में रेस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। वही सेकंड ऑलराउंडर यहां पर अक्षर पटेल है, जी हां अक्षर पटेल अपना कमबैक कर रहे हैं, टी20 सीरीज में उनको रेस्ट किया गया था, ड्रॉप किया गया था, लेकिन अब ओडीआई फॉर्मेट में अपना कमबैक करेंगे, प्लेइंग 11 में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स के बारे में, तो भाई 2 विकेट कीपर बल्लेबाज यहां पर भारतीय टीम का हिस्सा होने वाले हैं। फर्स्ट आपके कप्तान साहब, आपके विकेट कीपर बल्लेबाज के एल कमाल लाजवाब राहुल होने वाले हैं, पर भाई इनकी मतलब इनको किसी तारीफ की जरूरत नहीं इनके बारे में, सीरियसली आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है। सेकंड विकेट कीपर बल्लेबाज वो हैं जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार था, जहां संजू सैमसन यहां पर अपना फाइनली कमबैक करने के लिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं हर सैमसन फैन के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। अंत में हम बात करते हैं गेंदबाजों के बारे में, तो भाई 6-7 प्रॉपर गेंदबाज यहां पर टीम इंडिया के ओडीआई स्क्वाड्स का हिस्सा है, जहां पर भाई आपके पहले गेंदबाज कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव यहां पर हमें ओडीआई फॉर्मेट में अपना कमबैक करेंगे यहां पर, और भाई आपको पता है वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक लगभग 1 महीने का गैप रहा ओडीआई फॉर्मेट में वो खेलने वाली है, और भाई इनको रेस्ट नहीं दिया गया, लगातार इनको सीरीजें खिलाई जा रही है। सेकंड प्लेयर यहां पर हमारे युजवेंद्र चहल है, जिनकी वापसी का सभी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन फाइनली अब उनको भारतीय टीम के स्क्वाड्स में शामिल कर लिया गया और इस सीरीज में डेफिनेटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हम इस खिलाड़ी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगले गेंदबाज हमारे यहां पर मुकेश कुमार होने वाले हैं, तीनों ही फॉर्मेट्स की सीरीज में इस खिलाड़ी को फिलहाल जगह मिली है टी20 सीरीज में। सीरियसली इस खिलाड़ी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिया और भाई जब जब मौका मिल रहा है तब तब अपनी गेंद से कमाल करके दिखा रहे हैं, जिसके चलते इस खिलाड़ी के साथ बीसीसीआई यहां पर लगातार कंटिन्यू कर रही है। अगले प्लेयर यहां पर आवेश खान है, आवेश खान 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करा लेते हैं और भाई इसी स्पीड के बलबूते पर थोड़ी सी बॉलिंग वेरिएशंस को देखते हुए उनको भी यहां पर भारतीय टीम के स्क्वाड्स में शामिल किया गया है। अगले गेंदबाज यहां पर हर्षदीप सिंह होने वाले हैं और भाई सीरियसली ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड नाम है, मैं भाई इनके टी20 परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। जी हां, बहुत ज्यादा पिटाई इन्होंने साल 2023 में खाई है, लेकिन भाई हम थोड़ा सा मतलब अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है भाई इस वनडे सीरीज में कुछ हमें करके दे दे। और भाई अगले प्लेयर यहां पर
दीपक चार है, दीपक चार इस सीरीज में स्क्वाड में अवेलेबल होने वाले, ऐसा यहाँ पर सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। कुछ रीजंस की वजह से T20 सीरीज में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस ODI सीरीज में डेफिनेटली वो भारतीय टीम का हिस्सा देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये बड़े बड़े अपडेट्स यहाँ पर इस सीरीज के रिगार्डिंग निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए अफ्रीका के खिलाफ भारत की ODI प्लेइंग 11, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किसी वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।